चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम की बात करें तो आसपास मोटी परत है बर्फ की। कल मसूरी में भी बारिश हुई, साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने हालांकि पहले ही संभावना जताई थी कि प्रदेश में मौसम एक बार करवट बदलेगा। और ये देखिए तस्वीरें, केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन ये देखिए सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ मंदिर, जहां पर शीतकालीन प्रवास भी होता है। और समझा जा सकता है कि इस मौसम में यहां पर यात्रा संभव भी नहीं है। तो बर्फबारी का अंदाजा मौसम विभाग ने पहले ही लगा दिया था, जहां पर ये सूचना थी कि ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। बारिश की बात करें तो मसूरी में बारिश हुई, कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई और इस वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये चारों तरफ सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, ये बर्फ ही बर्फ है। केदारनाथ मंदिर के आसपास बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, कपाट बंद है, यात्रा बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और बाकी इलाकों की बात करें तो ये मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी होगी और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो सकती है और बूंदाबांदी हो सकती है। हुआ भी ऐसा ही, मसूरी में बारिश हुई तो कई इलाकों में बूंदाबांदी। टेम्परेचर की बात कर लें, तापमान की बात कर लें, तो पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और माना ये जाता है कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ इसका असर मैदानी इलाकों तक होता है और बारिश के रूप में होता है, तो बारिश भी देखी जा रही है और मौसम में ठंडक महसूस की जा सकती है। चलिए सीधा जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विनोद कुमार से, उनसे जानकारी लेते हैं। विनोद, मौसम की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो दुर्गम तस्वीरें ही कह सकते हैं, वहां जाना तो संभव नहीं है, लेकिन इसके अलावा मौसम विभाग की आगे की क्या चेतावनी है, कब तक बारिश और कितनी बर्फबारी हो सकती है? जी देखिए स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि मौसम विभाग ने परसों दो दिन का अलर्ट जारी किया था, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था। तो जो चेतावनी उनके माध्यम से दी गई थी तो वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ रही है। समूचे उत्तराखंड में अगर सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ी जनपदों की बात करें, तो जो गढ़वाल के जनपद है, जैसे रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, तमाम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। बारिश के साथ साथ में बर्फबारी भी हुई है और लगातार बर्फबारी के कारण जो मैदानी जनपद है या खासकर कुमाऊं क्षेत्र की बात कर ले, उधमसिंह नगर हो या हरिद्वार हो, खासकर राजधानी देहरादून हो, तो इसमें खासा ठिठुरन बढ़ गई है। लगातार अभी भी राजधानी देहरादून का मौसम में बदलाव है, हल्की बारिश शुरू हो गई है। हालांकि रात से ही बारिश लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी थी वो सटीक होती नजर आ रही है। और लेकिन अगली बार महत्वपूर्ण यही है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर आने वाले दिनों में फिर दोबारा से ऐसी भविष्यवाणी की है कि बर्फबारी और बारिश लगातार बनी रह सकती है। तो ये चेतावनी है, लेकिन जरा फोन पे हमारे सहयोगी रोहित डिमरी भी हैं, उनसे जान लेते हैं कि रुद्रप्रयाग आसपास के इलाकों में जो चेतावनी यहाँ से जारी की जा रही है उसका कितना असर है, कितनी बर्फबारी है। रोहित, आप तक आवाज पहुँच रही है, तो बताइए मौसम के हाल कैसे है वहाँ पर। जैसे कि रुद्रप्रयाग जिले की हम बात करेंगे तो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार जो बर्फबारी हो रही है, केदारनाथ सोमनाथ धाम और मंदिर धाम ऊंचाई वाले इलाके, इन जगहों पर लगातार दो दिन से बर्फबारी जारी है। जबकि जो केदारनाथ धाम है यहाँ पे दो से तीन इंच जो है बर्फ है वह जम चुकी है। पुनर्निर्माण काम थे वह ठप हो चुके हैं। फिलहाल जो पुलिस के जवान है वह तैनात है, जो मजदूर है वो पानी पिघला, जो बर्फ को पिघलाकर पानी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बर्फबारी के कारण जो केदारनाथ में है व्यवस्थाएं और पुनर्निर्माण के काम है वह प्रभावित हो चुके हैं, क्योंकि जो निचले इलाके में है ठंड का प्रकोप ज्यादा है, क्योंकि दो दिन से आए हुए हैं। रोहित, चलिए हमारे साथ विनोद भी हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं हम तीनों की, आखिर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए क्या पहले से तैयारी है। विनोद, आप ये बताइए कि अब बर्फबारी का अंदाजा मौसम विभाग का सटीक बैठा है, तो जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए, चाहे रसद भेजने की, चाहे फैसिलिटीज की, वो सारी दुरुस्त हैं या फिर उस पर अभी भी कुछ काम चल रहा है? जी निश्चित तौर पर देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने दो दिनों का अलर्ट जारी किया था,
ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी जनपदों में बारिश के साथ साथ में ठिठुरन बढ़ने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी थी, तो वो सटीक बनी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जैसे बर्फबारी होती है वो खासा एक अच्छी राहत खबर और अच्छी खबर पर्यटकों के लिए तो होती ही है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो वहाँ की स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जनता होती है, रोजमर्रा के कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल लगातार पहाड़ों में ऑल वेदर रूट्स का कार्य चल रहा है, तो ऐसे में जो रोड का कटान है, पहाड़ियों का बिल्कुल कटान विनोद है, तो उम्मीद यही है कि बर्फबारी हम हो सकता है दूर से देखने वालों के लिए बहुत सुखद होती है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होती है। रोहित आपका शुक्रिया, विनोद आपका शुक्रिया। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।